ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। पैसे से भरी तिजोरिया, तंग हाली से होगा जीना मुश्किल, किसका होगा प्रमोशन और किसका होगा व्यापार में घाटा, क्या आपकी सेहत नहीं दी थी आपका साथ, तकरार या इजहार प्रेम जीवन के लिए कैसा है आज का दिन, कब से शुरू है आज का राहु काल, साथ ही हम जानेंगे आज के पंचांग, नक्षत्र और लकी कलर के बारे में। तो बिना देरी के जानते हैं आज का राशिफल। 3 मार्च 2022 दिन गुरुवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास फाल्गुन है, पक्ष शुक्ल पक्ष और ऋतु वसंत ऋतु है। आज प्रतिपदा तिथि रात 9:36 तक रहेगी, इसका द्वितीय तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो रात 1:56 तक रहेगा, इसका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है किंचन ग्रह जो सुबह 10:16 तक रहेगा, इसके बाद भव करण लग जाएगा जो रात 9:36 तक रहेगा, इसके बाद बालव करण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग साध्य योग है जो रात 3:29 तक रहेगा, इसके बाद शुभ योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रात 8:03 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:22 पर होगा। आज चंद्रोदय सुबह 7:18 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:56 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल दोपहर 2 से शुरू होकर 3:28 तक रहेगा। तीन मार्च मेष राशि। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपके जीवन और करियर के लिहाज से आपका दिन अच्छा हो सकता है। दोस्तों, परिवार, धन, प्रसिद्धि और सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। लक्ष्य प्राप्त करने की योजना तैयार करके उसके लिए काम शुरू कर दें। अब जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज शांत एवं रोमांटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस अवांछनीय परिस्थिति से निपटने के लिए यदि आप अपने साथी को प्यार भरे निशाने देंगे तो वह चूक लाज साबित होगा, जिससे आपसे प्रेम फिर से उमंगे बढ़ता लगेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको लगेगा कि आपके ऑफिस में कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं और आपको उनके साथ काम करने में थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। अगर आप इस बात पर नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। आपको ये सोचकर संतोष करना चाहिए, कभी समय खराब होता है तो कभी अच्छा भी होता है। वहीं वित्त के मामले में आप इस समय जमीन अथवा भवन की खरीद कर सकते हैं। यह समय आपके लिए आर्थिक निर्णय एवं पूंजी निवेश के लिए मंगलकारी हो सकता है। विशेष रूप से रचनात्मक निवेश करना मंगलकारी होगा। इस समय जमीन की खरीद से आपको पूंजी में बढ़ोतरी होने की संभावना काफी अधिक है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या आपको गहन चिंता में डाल सकता है, जिससे आपको मानसिक दुविधा भी रहेगी। आप होशियार रहें और स्वयं जरूरत अनुसार उपचार भी करें, जिससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार वॉलेट रंग आपको सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। शाम 4:15 से शाम 5 के बीच का समय आपके लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। वृषभ राशि। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा निराश महसूस करा सकता है। आपको अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करने की जरूरत है। आप एक ही समय में बहुत सी चीजों को करने में तनाव महसूस कर सकते हैं। कोशिश करें एक समय पर एक ही काम करें, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें ताकि कोई बड़ी जिम्मेदारी छूट ना जाए। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। नया रोमांस आपकी जिंदगी को रंगों से सराबोर करके आपको खुश मिजाज बना देगा। उम्मीद है कि आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाकर बहुत अच्छा समय बिताएंगे, जिससे ना आप केवल अपने उमंगों में प्यार से भर जाएंगे, साथ ही आपको एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज पूरी मेहनत से अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके बॉस की नजरें आपके ऊपर है। अगर आप सेल से संबंध रखते हैं तो हो सकता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और एक बात बताने की कोशिश करें कि आप अपनी पूरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं।
वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों, आप में से कुछ को अपनी पैतृक अचल संपत्ति से लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि आपको किसी विशेष प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त हो। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आप कुछ शांत दिखेंगे, परंतु अंदर से आप परेशान हैं। दिमागी तनाव आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए शांति के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताएं। आप जल्दी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 6:45 से शाम 7:45 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। हरा रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। मिथुन राशि, मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका दिन अच्छा बीतेगा। सावधान रहकर एक समय पर एक ही काम करें। आप अपने घर में उत्पन्न हुई किसी कलह को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। आपके घर के सदस्यों के बीच कुछ बहस हो सकती है, आप इन मामलों को सुलझाने का पूरा प्रयास करें, जल्दी सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अनावश्यक रूप से गलत कड़वी बातें बिल्कुल भी ना करें। कुछ कहने से पहले सोच लें। आप समझते हैं कि आप अपने साथी के प्रति ज्यादा ईमानदार हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। याद रखें, आपने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि निरंतर काम करते रहने से ही समस्या हल हो सकती है। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, आज आपको जमीन जायदाद व्यवसाय प्रतिष्ठान आदि खरीदने से लाभ हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के खरीदने बेचने का आचरण आजकल व्यवहारिक हो गया है। इस प्रकार के व्यवसाय में अचानक लाभ होने की संभावना बन सकती है। यदि आपके पास ऐसी कोई संपत्ति को खरीदने का अवसर आ रहा है तो उसे जल्दी से खरीद डालें। आज आप लंबे अरसे से जमीन जायदाद भवन जैसी अचल संपत्तियों का विज्ञापन देख रहे थे, तो देर ना करें, उसे जल्दी खरीद लें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। दुर्भाग्यवश आप खुद को आलसी और हतोत्साहित महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि आप अच्छा खाएं अथवा आपकी तबीयत गिरी हुई महसूस होगी। आप कल से फिर व्यायाम करना शुरू कर देंगे। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार पीला कलर आज आपके लिए लकी कलर रहेगा। शाम 5:00 से 6:00 के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली समय रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ विचलित कर सकता है। हो सकता है आपको आत्मविश्वास में कमी महसूस हो। आप संदेह और चिंता महसूस कर सकते हैं, निराश हो सकते हैं, आप भावुक हो सकते हैं और कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाएं। अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन अपने रोमांच भरे दिल में धैर्य रखने एवं दूसरों की गलतियों को अनदेखा करने का दिन है। आज आपसी मतभेद दूर होने करने का प्रयास आज आपसी मतभेद दूर करने का प्रयास करें। इन मतभेदों को दबाने का प्रयास ना करके जड़ से दूर करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको लगेगा आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है। ऐसा ही आगे बढ़ते रहे, भविष्य में इससे आपके बहुत लाभ मिलेंगे। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, यदि आपको किसी जमीन या संपत्ति खरीदने विवाद का सामना करना पड़ रहा है तो आप देखेंगे अचानक इन समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। आपके अथक परिश्रम में शुरुआती दौर में होने वाली बाधाएं दूर हो चुकी हैं तथा अब आपको अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आप जरूरत के हिसाब से अपने स्वास्थ्य में एहतियाती बरतें। आपको अपना स्वास्थ्य बिगड़ता नजर आएगा, परंतु ऐसा छोटी मोटी बीमारियों के एक साथ हो जाने के कारण है। अपने दिमाग पर इनको हावी न होने दें और सभी का उपचार एक ही बार में करें। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सफेद रंग आपके लिए लकी रंग माना जा सकता है। दोपहर 2:00 से 4:00 के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा। सिंह राशि, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपको आत्मविश्वास में कमी महसूस करा सकता है। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की योजना बना सकते हैं। आप स्वतंत्र और दृढ़ भी हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर संदेह ना करें। आप अपनी योजना पर पूरी लगन से काम कर सकते हैं। एक समय में एक ही काम करें। बड़े सपने देखने से बिल्कुल भी ना डरें। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी आपके प्यार एवं चाहतों के अनुकूल चल रही है। सुनिश्चित करें कि आप अपने बनाए आदर्शों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि अन्य लोगों के अनुसार। आपका साथी आपको भरपूर प्यार भरा साथ देगा, जिससे परिवार में आज खुशी आएगी।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। सरकारी महकमे से संबंधित कामों के लिए समय शुभ है। आप अपने सभी काम बिना ज्यादा परेशानी के आसानी से पूरा कर लेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं आज का दिन उनके लिए काफी शुभ रहेगा। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों, अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी सरकारी मामले में फंसे हुए हैं तो आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको किसी लंबे अरसे से चल रहे विवाद से छुटकारा मिल सकता है। इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी, परंतु आप इसे पूर्ण जीत ना समझे और तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक ये मसला पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। दिन की शुरुआत के साथ आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप अपने दिमाग को आराम दें, क्योंकि आप कुल मिलाकर काफी स्वस्थ हैं। आप अपनी इस परेशानी एक तरफ रख दें और आराम से सोचें। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 5:30 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा। रोज पिंक आज आपके लिए लकी रंग रहेगा। कन्या राशि। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको उत्साहित महसूस करा सकता है। अपने स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। प्राथमिकता के हिसाब से काम करें, काम की ओर ध्यान केंद्रित रखें, इससे आपको लाभ ही होगा। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। क्या आज आपको चाहिए कि आज आप विचार करें कि आपसे रिश्ते वास्तव में प्रेम एवं ईमानदारी से परिपूर्ण है। आप अपने उन गोपनीय शंकाओं से जूझ रहे हैं जो कि आपके साथी की जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है। रोजाना की जद्दोजहद के बावजूद आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज आप विचार करें कि वास्तव में आप अपने रिश्ते से क्या खुश हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आपका जिज्ञासु दिमाग व कठिन से कठिन बात को समझने की कला के कारण आज आप विषम परिस्थितियों को भी आसानी से अपने वश में कर सकेंगे। भविष्य में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इसी तरह प्रयास करते रहें। जल्दी आपको अपने प्रयासों के लिए इनाम भी मिल सकता है। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, इस समय आपको शीघ्र ही बहुत बड़ी जमीन खरीदने के अवसर मिलेंगे। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं या आपका कोई नजदीकी विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदारी बनकर इस व्यवसाय में निवेश करना चाहता है, आपको इस मुद्दे पर विचार करना ही चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है एवं इस गठबंधन से आपके आपसी संबंध भी खराब नहीं होंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर आप लगातार अपने कार्य करते रहेंगे, वो भी बिना थके। अस्वस्थता के बावजूद अपनी लगन तारीफ के लायक है। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। कुछ आराम अवश्य कर ले, अन्यथा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेड वेन कलर आपके लिए लकी रहेगा। तुला राशि। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप सही समय के अनुसार काम कर सकते हैं। परिस्थिति को फिर से पहले जैसा करना आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। साथी के दूर होने के कारण आप महसूस करेंगे कि आपसे लापरवाही बरती जा रही है, आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे आपका साथी अपने कार्यकर्म में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होने के कारण आपका भरपूर ध्यान नहीं रख पा रहा है। अपने साथी को उसकी लापरवाही से खुले दिल से अवगत कराइए। देखिए कि आपसी प्यार और ईमानदारी दूरी को कैसे मिटा देगी। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आज आप काम के बढ़ते बोझ से परेशानी से महसूस करेंगे। दूसरी ओर अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर अपने काम के बढ़ते बोझ को आसानी से वहन कर लेंगे। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में लेकर निर्णय आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। परेशानियों से बचने के लिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, यदि आप पूंजी निवेश के लिए अपने इलाके में अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज उसका निर्णय कर लें। जमीन जायदाद पर किया गया खर्च आगे चलकर बड़ा ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे अचानक धन वर्षा भी हो सकती है। ऐसे लाभ का आप तहे दिल से स्वागत भी कर सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, आज आप सेहत को लेकर थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं, मगर कोई अच्छी खबर मिल जाने के बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार 10:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं और नीला रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कन्या राशि।
मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपके प्रियजनों के साथ आपके संबंधों को अच्छा कर सकता है। आप क्रोधित और परेशान महसूस कर सकते हैं, शांत रहकर किसी कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। आप अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको चाहिए कि ध्यान पूर्वक सुने कि आपका साथी क्या बताना चाहता है। हो सकता है अपनी जरूरत या चाहत बताना चाहता है, उनकी बातों पर भरपूर ध्यान दें। यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं विचार करेंगे तो आपका आपसे रिश्तों पर अच्छा असर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। ऑफिस में आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको लगेगा कि आप पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। आपको अपने काम को नियंत्रित करके उसको करने की गति पर ध्यान देना चाहिए। बाधाएं बहुत सी हैं, लेकिन भाग्यवश बहुत छोटी छोटी हैं। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों इन दिनों अर्थ जगत में भड़कीले विज्ञापनों वाले व्यवसायिक निवेश से बचने का प्रयास करें, परंतु अगर आप इसके प्रत्येक पहलू को परख सके तो आपके अनुसार एक खरा साबित होगा। आज इसमें लाभ होने की अधिक संभावना है। आज आपके सम्मुख जो भी व्यवसाय के नए नए अवसर आएंगे उसे आप उम्मीद कर सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आप शांत रहेंगे और दूसरों को आकर्षित करेंगे। आज आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए दान करने का उचित समय है। मानसिक तनाव भी कम रहेगा, इसलिए आप परिवार वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती भी कर सकते हैं। आप इस सकारात्मक बदलाव का अच्छा लाभ उठाएं। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज स्वास्थ्य के लिए गुलाबी रंग के कपड़े पहने। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय सबसे भाग्यशाली है। धनुराशि, आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं, आपको अपना ध्यान लगाने की आवश्यकता हो सकती है। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण चिंता ना करें, चीजें सकारात्मक होंगी, इसलिए कोशिश करें और अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करें। आशावान रहें, चीजें सही हो जाएंगी, सही संतुलन के साथ काम भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप पाएंगे कि आप अपने प्रेमी के साथ घनिष्ठता के अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसा पहले आम संबंध मानते थे, वे आज खास बन जाएंगे। एक सच्चा साथी के अपने सपने देखना छोड़िए। जो साथी आपके साथ है उसे समझकर वह इज्जत दीजिए, इसका वह हकदार भी है। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। आज ऑफिस में आपको अपने बॉस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आपका उसका परिणाम आपके अनुसार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन परेशान ना हो, आने वाले समय आपका इसका लाभ जरूर मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका लगातार काम करते रहना ही है। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, आज आप आएंगे, अगर आप बिक्री करता है तो आसानी से अपने प्रतियोगी से आगे बढ़ सकते हैं। यह आपकी जान पहचान, उसके प्रयास से अथवा आपकी योग्यता की वजह से ही संभव हो पाया है। यह आपके लिए तथा आपकी कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है। इस अच्छे कदम के लिए आपको कंपनी से प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आप हल्का महसूस करेंगे, आप आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आप गहरी सांस लें और अपने खान पान पर ध्यान दें, आपको काफी हल्कापन महसूस होगा। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। वायलेट रंग आपके लिए भाग्यशाली रंग है। मकर राशि, मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको आराम करने के लिए समय निकालना ही चाहिए। परिवार या आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति को लेकर तैयार रहें जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहें, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचकर रहें। किसी यात्रा या छुट्टी पर भी जा सकते हैं, रोज के दिनचर्या से कुछ ब्रेक भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने प्रेम संबंध में रोमांच भरने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आप अपने साथी को सभी जरूरतें पूरी करेंगे, क्योंकि इससे आपको भी खुशी मिलती है। आज आप देखेंगे कि जितना आप अपने साथी के लिए करते हैं उससे ज्यादा वह आपस आपके लिए करने के लिए तैयार भी है, इससे आपका संबंध अधिक गहरा होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात के लिए अपनी आवाज तेज करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऐसे में आपको शांति से ही अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने रखें ही नहीं। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप सही हैं, तो यकीन मानिए आपकी इस बात के काम का आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, जमीन जायदाद में बड़ा लाभ आपकी भाग्य पत्री में दृष्टिगोचर हो रहा है, तो आगे बढ़िया और पूंजी लगाई है।
अगर कोई सौदा तय होने जा रहा है तो आपके लिए सही समय है। ऐसे में आपके सितारे बुलंदियों पर है और आपको शीघ्र ही निश्चित रूप से कोई बड़ा लाभ होने वाला है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आपकी बढ़ती हुई उम्मीदें आपको परेशानी के मोड़ पर ले जा सकती है। आप सावधान रहे, आपको किसी भी व्यक्ति की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करें, उन्हें भी अच्छा लगता है। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार फिरोजी रंग आपके लिए लकी कलर है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय महत्वपूर्ण रहेगा। कुंभ राशि, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सोच सकते हैं आप अपने जीवन में कितना आगे आ गए हैं। आप कड़ी मेहनत से जीवन में सफल हो सकते हैं। सोचिए कि आप करियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बेहतर प्रयास के लक्ष्यों को पूरा भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी प्यार भरी जिंदगी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी कारण से अपने साथी को अपना दुश्मन ना मानिए। बीते हुए कल के कारण अपने साथी को दोषी करार मत कीजिए। किसी तीसरे के सामने आपसी मतभेदों को उजागर करने से दूरियां और बढ़ सकती है, जिसका अंत अच्छा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से इतनी आगे आ सके हैं। सफलता पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रयास करने की जरूरत होती है। लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी इज्जत मिलती है। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके व्यापार के लिए लाभदायक और फायदेमंद हो सकता है। अगर आप शादी संबंधित काम करते हैं तो आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। आप व्यस्त रहेंगे, आप थकान में भी काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त अपनी जमा पूंजी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप बीमार पड़ सकते हैं, आप अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं, परंतु आपको सड़क किनारे तैयार होने वाले खाने से बचना होगा। आप ज्यादा पानी, ताजे फल और सब्जियां ही लें। समय अनुसार व्यायाम करें, टहलने जाएं, योगा भी करें, इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार भूरा रंग आपके लिए लकी कलर हो सकता है। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है। मीन राशि, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा भावुक और परेशान कर सकता है। कुछ अनसुलझे मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए हर संभव तरीके पर विचार करें। आप जीवन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। कभी कभी आप अनजाने में दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवहार को भी बदलना ही होगा। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका साथी आपको भावनात्मक रूप से धक्का पहुंचा सकता है, जिससे कि वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इन परिस्थितियों में भी आप अनावश्यक रूप से तमाशा ना बनाकर बहसबाजी से दूर रहें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है ये काम ना हो जिसके विषय में आपने सोचा था, लेकिन शुरुआत की जा सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ के संकेत प्रबल होते हैं। अनुभव का लाभ मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, यदि आप स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार व वित्तीय लाभ लेकर आ सकता है। केवल आप ही नहीं, वरन आपके सहकर्मी भी आपकी उन्नति व सफलता को लेकर आपकी सराहना करेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आप काल्पनिक विचारों को अपने लक्ष्यों के आगे ना आने दें। आपको यह समझना होगा कि काल्पनिक विचार कभी सच नहीं होते। आप बिना बात की परेशानी ना लें जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 4:30 से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी भाग्यशाली है। पीला रंग आज आपके लिए लकी कलर माना जा सकता है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाए अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।